एवरीवन, आज हम असाइनमेंट वर्कशीट 12th करेंगे 15th नवंबर की इंग्लिश की क्लास 10th की। तो सबसे पहले आपको पैसेज पढ़ना है। क्लाइमेट चेंज इज अ शिफ्ट इन द वेदर कंडीशन। द रैपिड क्लाइमेट चेंज वी आर नाउ सीइंग इज कॉज्ड बाय यूजिंग ऑयल गैस एंड कोयल्स फॉर देयर होम्स फैक्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे क्या कहा गया है, जो कि क्लाइमेट चेंज है ये शिफ्ट होता रहता है कुछ एवरेज वेदर कंडीशंस की वजह से, पर आजकल ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। क्यों? ये सब चीज़ें कुछ गलत चीज़ों की वजह से हो रही है, जैसे पॉल्यूशन, ऑयल, गैस, ये सब। और व्हेन दीज फॉसिल फ्यूल्स जो बर्न किए जाते हैं, दे रिलीज ग्रीन ग्राउंड गैसेस जैसे कि CO2। दीज गैसेस जो हैं ये ट्रैप करती हैं सन हीट को एंड कॉज द प्लैनेट टेम्परेचर टू राइज। इससे टेम्परेचर बहुत गर्म हो जाता है। अब जो वर्ल्ड है वो तो इतना गर्म हो गया है कि 19th सेंचुरी में इसका 50% था, और कार्बन डाइऑक्साइड भी 50% ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर ऑलरेडी मोर इंटरेस्ट थ्रीटिंग लाइफ इन लिवहुड्स विद फर्दर वार्मिंग। ज़्यादा गर्मी से जो कुछ रीजन है वहाँ पे तो रहना भी मुश्किल हो गया। ऐसे जो हमारे फार्मलैंड थे अब वो डेजर्ट बन चुके हैं। इन अदर रीजन्स इसका दूसरा मतलब है विद एक्सट्रीम रेनफॉल कॉजिंग हिस्टोरिक फ्लडिंग होती रहती हैं, एज सीन इन चाइना, जर्मनी एंड नैदरलैंड। अब आगे आपको कहा गया है कि आपको कुछ आंसर्स करने हैं। क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग रैपिडली बिकॉज, तो क्यों होता है ये? बिकॉज ह्यूमन बींग्स बर्न फॉसिल फ्यूल्स टू रन फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स। यस, व्हेन बर्न दीज फ्यूल रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेज लाइक CO2। यस, ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप द सन हीट एंड रेज द प्लैनेट टेम्परेचर। यस, ये सभी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव, अब सिलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है, तो अमाउंट है CO2 की, ये राइज हो चुकी है 50%। एज अ रिजल्ट जो है द वर्ल्ड बिकम कूलर। वर्ल्ड ठंडा हुआ है? नहीं, वर्ल्ड गर्म हुआ है। तो 2 इज फॉल्स एंड 1 इज करेक्ट, ये आपकी सी में करेक्ट है। अब अगला पूछा गया है कि नॉट पॉसिबल टू लिव इन, ये पैसेज में से कौन सा वर्ड है? तो अनहैबिटेबल। अब अगला पूछा है कि ये ग्रामर से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल डिटेल इन कंप्लेन लेटर। कंप्लेन लेटर में क्या एसेंशियल डिस्प्लेस नहीं है? प्रोडक्ट नंबर, कैश मेमो नंबर, डेट ऑफ परचेज या फिर बार कोड ऑफ द प्रोडक्ट। तो बार कोड ऑफ द प्रोडक्ट। अब व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, क्या करेक्ट सीक्वेंस होगा आप लोगों का, इंक्लूडिंग इन द बॉडी ऑफ अ लेटर टू एडिटर, जब आप एडिटर को लिखेंगे। तो डिटेल्स ऑफ मैटर, कंक्लूजन विद व्हाट इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द एडिटर, द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, डिटेल्स ऑफ द मैटर, कंक्लूजन विद द व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एडिटर, या कंक्लूजन विद व्हाट इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द एडिटर, द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर एंड द डिटेल्स ऑफ द मैटर, या नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर है बी। आप इसका लिखेंगे पहले, द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, डिटेल्स ऑफ द मैटर, कंक्लूजन विद व्हाट इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द एडिटर। आप इस वे में लिखेंगे, सबसे पहले पर्पस, देन डिटेल, देन कंक्लूजन। अब ओनली डैश स्टूडेंट्स कुड सॉल्व द प्रॉब्लम इन द गिवन टाइम। तो यहाँ पे आपको डिटरमिनर्स बनने हैं। तो डिटरमाइनर कौन सा आएगा? ओनली अ फ्यू, बहुत ही कम बच्चे कर सकते हैं। यू डैश लीव नाउ टाउन टिल द कल्प्रिट इज कॉट, तो मोडाल है। तो यू कैन नॉट लीव द टाउन टिल द कल्प्रिट इज कॉट। अब छठा, विच ऑप्शन डिस्प्लेस द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच। क्या सेंटेंस? ही सेड रीनू मेट हर कजन्स इन अ वेडिंग लास्ट नाइट। तो क्या आएगा? ही सेड दैट रेनू met his cousins in a wedding last week. He explained that Renu met her cousins in a wedding the previous week. He said that Renu had met her cousins in a wedding the previous week.
He asked if Renu had met her cousins in a wedding with the previous week. तो यहाँ पे आपका जो है वो डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है और बी भी गलत है. तो ए और सी में से आपका जो है लास्ट वीक के लिए हमेशा प्रीवियस वीक आता है, तो सी सही है. ही सेड दैट Renu met her cousins in a wedding the previous night. अब एक्सट्रैक्ट को पढ़कर आंसर करने हैं. शी हैड टू फाइंड वेंडा पर्ट, उसको वेंडा को ढूंढना था. मे बी शी हैड नॉट मूव्ड येट. मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर एंड दे वुड वेंडा. शी हैड वॉन द कंटेस्ट. देन दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेज वर ब्यूटीफुल. इस तरह से वो सेंटेंस करते हैं. Why did the Maddie want to find Vanda Petrovsky? तो जो Maddie थी वो Vanda Petrovsky को क्यों ढूंढ रही थी? To hurt her feeling, to tease her about the 100 dresses, to congratulate her for winning the contest. तो C, to congratulate her for the winning the contest. अब select करने words that describe the Vanda Petrovsky. Quiet, rowdy, एसरेटिव, स्मार्ट, आर्टिस्टिक या मिस्चीवियस. तो वांडा के लिए यहाँ पे क्वाइट राइट है, स्मार्ट राइट है और आर्टिस्टिक राइट है. तो यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ. अब नेक्स्ट है, लेंचोस फील्ड वॉज डिस्ट्रॉयड बाय. लेंचो की फील्ड किससे ख़राब हुई थी? बी ऑप्शन, हेल स्टोन से. अब पिक करना है ऑप्शन दैट लिस्ट द बॉय थॉट्स that match the line as he stand rigid trembling starting down. तो क्या होगा? I wonder how I contrive retrieve the ball. I guess I need help. Good riddance. Now I can get a new one. I have been waiting for a while. I think I can catch if I run through the alley. I must get off before it falls into the harbor. Oh, I have lost my ball. It's gone forever. That was all the time I had with it. The time is over. तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है फोर. Oh, I have lost it. It's gone forever. ये हमेशा के लिए खो चुकी है. जितना समय मैं उसके साथ रहा वो चला गया. That time is over. वो ख़त्म हो गया था मैं. According to the poet, what is the child learning in the bold poem? To be a loss, to take care of things, to be irresponsible, या both A and B. तो यहाँ पे A और B दोनों करेक्ट है. आप D लगाएंगे, both A and B. तो बच्चों आप इस तरह से ही 10th क्लास का पूरा असाइनमेंट कर लेंगे. अब हम मिलेंगे अगले असाइनमेंट्स, अगली वर्कशीट्स के संग. तब तक के लिए बाय. आप अपनी बच्ची हुई सभी असाइनमेंट वर्कशीट्स या वर्कशीट्स को हमारे चैनल से कर लें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले. बाय एवरीवन.